छत्तीसगढ़ में सियासी पारा अपने उफान पर है। सभी की नजरें कांग्रेस की चुनावी रैलियों पर है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 नवंबर से पीएम मोदी भी चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश में हुंकार भरी है। क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने सुकमा और महासमुंद में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाज, संविधान और लोकतंत्र और देश को बचाना है तो कांग्रेस को वोट करें। भाजपा के लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, इसलिए वोट मांग रहे हैं। जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को जीवित रखना है। कांग्रेस ने आपकी और आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं, जिससे आप लोग सुरक्षित हैं। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखिए इस वीडियो में। हमको जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी भाइयों को और बहनों का जो अधिकार है, उस अधिकार को हमको जीवित रखना है। हमारी जमीन हमारे पास, हमारा जंगल हमारे पास, ये आदिवासियों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को अगर कोई हमेशा मदद करते हुए आए हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाज, संविधान, लोकतंत्र और देश की रक्षा के लिए हमारा ये चुनाव जीतना जरूरी है। इस चुनावी भाषण में सिर्फ आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया, मैं यहाँ पर जो आया हूँ और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है। तो वहीं भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से 17 वादे किए हैं। राहुल जी ने और बढ़ के उस दिन घोषणा की, हमारी सरकार फिर से बनाइए, जो तेंदू पत्ता संग्रहण करते हैं वो 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से जो पैसा मिलेगा तो मिलेगा ही, हर परिवार को भी 4,000 हर साल देंगे, ये राहुल जी ने घोषणा की। उन्होंने ये भी घोषणा की, हमारी सरकार फिर बनाइए और फिर से किसानों का कर्ज माफ होगा। कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कांग्रेस की सरकार बनाइए, फिर से कर्ज माफ होगा। और साथ ही जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ को हमने 17 गारंटी दी है और एक गारंटी आज से ही लागू हो चुकी है, जिसमें प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी शुरू हो चुकी है। हमने ये गारंटी महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों को, वंचित वर्गों को दी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।